सभी यहां पर पधारे हैं, मैं पथमेड़ा गौ सेवा समिति के पदाधिकारीगण यहां पर मौजूद हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पथमेड़ा वो गौशाला जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, विश्व में उससे बड़ी कोई गौशाला ही नहीं। ये गौरव किसको प्राप्त है? ये राजस्थान को प्राप्त है। राजस्थान में ऐसी गौशाला जहां पर लगभग 10 लाख गायों का पालन पोषण और वहां का घी, वहां की गौमूत्र, वहां की जो जो पदार्थ वहां पे बनते हैं, जो प्रोडक्शन बन, जो उत्पादन होता है, मित्रों आज आवश्यकता है कि हम गांव की तरफ आए, गाय की तरफ आए। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। पहले शहर नहीं होते थे, गांव होते थे, तो गांव गाय के रहने का स्थान गांव, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, उस स्थान का नाम गोकुल। और मित्रों जिसने गौ माता का आदर सम्मान किया और इस महत्वता को समझा, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। ये मैं आज जो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डाल जी, ये लोग बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं लगभग महीने भर से। मुझे खुशी इस बात की कि आज इतने भक्तगण इस मेट्रो सिटी से घर से निकल करके यहां तक आए, तो यहां से एक बात लेके जाए, जो उद्देश्य लेकर के हम आए हैं, जो आज का इस कार्यक्रम का हेतु है, वो प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद आप सभी की भावनाओं के अनुरूप भजन प्रस्तुत होंगे, मगर पहले एक गौ माता की वेदना प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके समक्ष। धन्यवाद। देश में चल रहा है अभी, कोई कहता है कि मैं भारत मां की जय नहीं बोलूंगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य, इस मंच पर, इस मीडिया के सामने मैं ये बात कह सकता हूं कि जो गाय को मां कहने को तैयार नहीं है, जो भारत मां को मां कहने को तैयार नहीं है, तो भारत में उसे रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद मित्रों। यहां पर यह सभ्यता इसी देश में, जहां पर मां को नमन, गौ मां को नमन, भारत मां को नमन, गंगा मां को नमन, गायत्री मां को नमन, और किसी देश में यह सभ्यता है ही लगाए, ये लगे कि नहीं कोई गौ भक्त विराजित है। पहले तो हम सभी उसके लिए तैयार हैं। बोलो गौ माता की जय। जय हो। राजनीति में देश को अपने हम सब बटने नहीं देंगे, राजनीति में देश को अपने
हम सब बटने नहीं देंगे, शीस भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे। तो अब गाय कैसे बचेगी? एक संकल्प तो ये करें कि अगर हम कम से कम एक गाय का खर्च अपने सर ले लें, बहुत बड़ा काम नहीं करें, एक गौ माता का। कोई भी गौशाला में जाएं और उसके सदस्य बन जाएं, या अपनी ओर से एक वर्ष की पूरी सेवा ले लें, कर सकते हैं ऐसी सेवा आप सभी लोग एक गौ माता की। कितने लोग हैं जो एक गौ माता की सेवा कर सकते हैं, वे हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। देखिए लाल जी, सारे गौ भक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से निवेदन की, हे कृष्णा, तेरे युग में गौ माता का बड़ा आदर था, बड़ा सम्मान था, मगर आज के इस युग में बड़ी बुरी दशा है काना, एक बार तू आ और गायों की दशा देख, और जो गौ माता के हत्यारे हैं, जो गौ माता का वध करते हैं, उन्हें सजा मिले, और सजा भी ऐसी मिले कि उन्हें मृत्यु दंड मिले। क्या बात, इस कली काल में, इस कलियुग में तो गौ माता का हर कोई नहीं रखवाना, इस कलियुग में तो गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा हे गोविंदा हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सत्संग का एक अलग मूड मिजाज होता है। आज जो है वो सब कुछ गौ माता को समर्पित है, समर्पण है। अतिथि महोदय भी अगर कोई घोषणा करवाना चाहे, वे सीट मेरे पास भेज सकते हैं, और वे नहीं आ सकते तो मैं हाजिर हो जाऊंगा उनके पास, क्योंकि मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने के काजा, और परमारत्र कारणे नहीं मांगता वे जाती। इस कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। बात को जो कह रहा हूं डाल जी, बहुत सुंदर बात कह रहा हूं।
मुस्लिम संस्कृति को अगर किसी ने पढ़ा है तो मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, आज से 1400 साल पहले जिसे कहते हदीस, उसमें लिखा हुआ कि गाय का दूध भी शिफा है, अमृत के समान, इसका मांस बीमारी, परहेज करो, इससे बचो। फिर भी लोग नहीं मानते, नहीं मानते। तो जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, कृष्णा जो सबको जीवन देती है, जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला, हे गोविंदा गोपाला। एक दो बार आपको बोलना है, सभी लोगों ने बोलना है, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। और दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ मैंने ताल देते हुए, हे गोविंदा, हे क्या दशा हो रही गौ माता की, गली गली में फिर रहे हैं वो कौन, अब गली गली में फैल रहे गौ माता के हत्यारे, प्रभु आप बिना, प्रभु आप बिना, प्रभु आप बिना, इस करुणा सर को कौन है सुनने वाला, गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो 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 मेरी बात से सहमत है वे दोनों हाथ ऊपर करो, जो गौ भक्त है वे दोनों हाथ ऊपर करें, और हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। और ये भी ध्यान रखें, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि गौ माता की वेदना वंदना भी प्रस्तुत करता रहूं, और हम अपनी तरफ से जैसा भी जो भी राशि आज के दिन प्रदान करें यह बिल्कुल गौ दान होगा, हमको किसी को नहीं चाहिए होता, यह गौ माता के निमित्त है। और इसके लिए हमारे डाल जी ने जो घोषणा की, एक बार फिर डाल जी का जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें, धन्यवाद।
यहाँ आना भी सफल हुआ और गौ सेवा करना भी सफल, क्योंकि अब समय आ गया है लाल जी, अब समय आ गया है, अब नारों से जयकार से भी काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कुछ करेंगे तो ही हम इस उद्देश्य को कायम रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। और भगवान श्री कृष्ण से एक निवेदन की, बोले हे कृष्णा, हे नंद बाबा की हाल तुम्हें सौगंध यशोदा मां की, जिनेंद्र जी शास्त्री कहां पर है? शास्त्री जी, डॉक्टर साहब जिनेंद्र जी गोविंद जी कुमावत की स्मृति में कितने भोपा जी सगस जी बाप जी की ओर से 5,000 और 1 रुपए गौ सेवा में। क्या बात है। ये इसमें डाल देता हूं। डॉक्टर जितेंद्र जी शास्त्री एक मिनट के लिए मेरे पास पधारे। डॉक्टर साहब उनकी ओर से राष्ट्रीय गौ रक्षा वक्ता हमारे बीच में है, उनकी तरफ से ये आंकड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा है। एक होगा नहीं होगा 5,100 रुपए। जोरदार तालियों से सभी अभिनंदन करें 5,100 रुपए। श्रीमान जितेंद्र जी शास्त्री की ओर से इस गौ सेवा में अब जोरदार तालियों से सभी स्वागत करते हैं।
भगवान से कहा रे प्रभु। और हमारे बरड़ा के विधायक महोदय भी यहाँ पर विराजित हैं, बरड़ा से समिति के जितने भी सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि सभी की ओर से आज मैं सेवा करवाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए पुष्पा देवी जी, वाइफ ऑफ ताराचंद जी कोठारी, जो ये आपके सामने विराजे हुए हैं, इनकी ओर से मित्रों 11,000 रुपए की राशि गौ सेवा में। क्या बात है, क्या बात है। भगवान श्री ये नाम लेने में इतनी देरी नहीं करनी चाहिए, जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण से तो बोले कि प्रभु तूने जो गीता जी में वचन दिया कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा तब तब मैं अवतरित होऊंगा, मैं अवतार होऊंगा। हे प्रभु आज आवश्यकता है, आज आवश्यकता है प्रभु। तो कहा प्रभु श्री गीता जी में वचन दिया था उसको जी में वचन दिया था तो आज ऐसी दुर्दशा है गौ माता की। तो कहा प्रभु अब बंसी भी छोड़ो, अब आवश्यकता है अब बंसी तोड़ो बांस भी छोड़ो हाथ में चक्री उठा जितने गौ भक्त हैं उनसे कह रहा हूं वे बोले, और भगवान उसी के लिए है जो मानता है, जो भगवान को नहीं मानता है भगवान उसके लिए नहीं है, और जो मानता है उसके लिए ये मानना ही भगवान है। और आज इतनी सुंदर सत्संग मैं यकीन से कह रहा हूं उदयपुर में 14 से लेके अभी तक मैं सेवा देता हूं सगत जी बाप जी के दरबार में, 2 बार मेरी हाजिरी हुई है और आज ये गौ माता के निमित्त मेरा आना हुआ है। मुझे आज बहुत सुंदर लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं गौ माता के समर्पित ये उदयपुर की धरती के ये युवा शक्ति का मैं सभी भक्तों का अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। अरे माता को माता न कहे, जो मां कोई मां नहीं कह रहे, कह रहे मां को मां। आप देखेगा अभी ये YouTube पे चल रहा है एक व्यक्ति जो मां को मां ही नहीं कह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार हो, हम सभी मिलकर के बहिष्कार करें कि माता को माता न कहे, माता को माता न कहे तत्काल उसे पाबंद करो। और
अमन चैन से रहना है तो गौहत्या को बंद करो। कितने लोग चाहते हैं कि गौहत्या बंद होनी चाहिए? अरे अमन चैन से रहना है तो गौहत्या को बंद करो, गौहत्या को बंद करो। ये आवाज ऐसी बुलंद हो कि ये मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे और हमारा राजस्थान, पूरा राजस्थान, समूचा राजस्थान की गौहत्या पर पाबंदी लग जाए, ऐसा मैं अभियान चलाना चाहता हूं मित्रों। अरे अमन चैन से रहना है तो गौहत्या को बहुत सुंदर अवसर है, बहुत पुनीत अवसर है और इस अवसर पर आकर के कोई गंगा जी के निकट जाए और गंगा जी में स्नान किए बगैर आ जावे तो वो भाग्यशाली है या अभागा है, ये बताएं। अभागा है बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं कि वो अभागा है। और आज ये गौ गंगा की धारा प्रवाह चल रही है, ये गौ सेवा की लहर चल रही है। अगर कोई व्यक्ति यहां भी आकर के अगर गौ सेवा नहीं की तो समझो कि वो गंगा जी के समीप जाकर के भी गंगा जी में स्नान नहीं किया, नहीं किया। और जिन्होंने स्नान कर लिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने नहीं किया वे आकर के स्नान कर सकते हैं। धन्यवाद। अरे ये वही भारत है, ये वही भारत है जिसने अंग्रेजों को भगा दिया। ये वही भारत है, ये वही भारत है जिसने अंग्रेजों को भगा दिया। राजस्थान की धरती, यहाँ पर गीतों में भी गाया गया कि आ तो सरगा ने शरमावे इन पर देव रमन ने इन रो यश नर नारी गावे आ धरती। क्या बात है। तो देव रमे जिस धरती पर, देव रमे जिस धरती पर असुरों का ना बंद करो। अमन चैन से रहना है तो गौहत्या को बंद करो। अमन चैन से रहना है तो गौहत्या को बंद करो। कितनी सुंदर और शांत ये एक शाम गौ माता के नाम। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं इस बात को लेकर के कि आज हम बहुत बड़ा उद्देश्य जो हमारा उसे हम पूरा करने जा रहे हैं और वो लगभग पूरा हो गया। जिन जिन
भामाशाहों ने अपने अपने हाजिरी दी है बोल। और इसी क्रम में राजस्थान के एक ऐसे आर्टिस्ट की मैं हाजिरी करवा रहा हूं, भाई बाबूनाथ जी। बाबूनाथ जी एक बार पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, ये भी गौ भक्त हैं और गौ भक्ति के निमित्त यहां पर आए हैं। तो अरे अमन चैन से रहना है तो बहुत क्या को बंद करो, अमन चैन से रहना है तो बहुत क्या को बंद करो, ये धरती सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का, जीव मात्र का, जीव मात्र का, जीव मात्र का। जो लोग कल्याण चाहते हैं वे बोले जीव मात्र का हो कल्याण, जीव मात्र का हो कल्याण। धरती देश पीछे पड़ा हुआ है और पढ़ना भी चाहिए, भारत में रह करके भारत मां की जय बोलना चाहिए। यह हमारा कानून नहीं, हमारा प्रेम है, मां के प्रति हमारे समर्पित भाव है, बोलना चाहिए ना। तो हम सभी मिलकर के इस भारत मां की जय घोष करें, बोलो भारत माता की। बहुत बड़ी सेवा करते हैं ये, वहां पर एक बार जोरदार तालियों से बबना जी का भी अभिनंदन कर देते हैं। और बबना जी के सिर पर दूसरा क्लास सुशोभित करने हेतु मैं निवेदन करूंगा श्रीमान महेश जी पधारे। और है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। इंडोनेशिया में नहीं बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बैठे हो, कहां बैठे हो? भारत में। तो भारत का, भारत की बात सुनाता, भारत का, भारत की बात सुनाता।
माता की महिमा। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों का जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, नारी में अभी तक सीता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच ये सोच ये सोच के मैं इत गाता हूँ। कितने लोग भारत के रहने वाले हैं, हाथ ऊपर करें एक बार। भारत का भारत सही है, भारत से हाथ ऊपर कर दो। भारत का, अरे भारत का, भारत की बात बताता हूँ। जिनेंद्र जी शास्त्री, जिन्होंने गौ सेवा के लिए 5100 रुपये की राशि प्रदान की, वे भवना जी के सिर पर तीसरा गिलास सुशोभित करें। और मैं गौ सेवा की बात कर रहा हूं आपसे। जिनेंद्र जी बता रहे, शास्त्री जी बता रहे, उदयपुर की बहुत सुंदर गायिका, बहुत अच्छा गाती है, मधुबाला राव। एक बार जोरदार तालियों से सभी अभिनंदन करें, घर की तुलसी का, घर के प्रांगण में हम सभी अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। क्या बात है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती, जिस देश में गंगा बहती, जिस देश में गंगा बहती। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई वरड़ा वालों। Thank you.
मंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का ये गौ भक्ति के लिए जो आयोजन चल रहा है ये गौ भक्ति में ही अपनी हाजिरी दे रहे हैं। सुधाकर जी पीयूष अगर मेरी वाणी को श्रवण कर रहे हैं श्रीमान सुधाकर जी एक मिनट के लिए मंच पर बधा रहे कितना सुंदर नाम है। एक बार जोरदार तालियों से सभी अभिनंदन करें सुधाकर जी का। अरे पूरा सहयोग क्या इनका बहुत बड़ा काम है ये जिस पार्टी से है वो बहुत बड़ी पार्टी है। सुधाकर जी बधा रहे हैं और एक म्यूजिक रहेगा बेंचों से एक म्यूजिक के क्लोरनेट फ्लूट सितार गिटार ये सारे इंस्ट्रूमेंट भजनों के माध्यम से आवाम तक पहुंचे उसी कड़ी में श्रीमान इमामुद्दीन जी एक बार जोरदार तालियों से पहले अभिनंदन करें और देखिएगा ओ, 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 ओ,